प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर कोई भी जजमान हमारे कोई कलावा या मौली बांधे तो हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और जजमान हमारे कोई तिलक करे तो हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और हम अगर जजमान के बांधते हैं आचार्य जजमान को रक्षा बांधे तो कौन सा, हम जजमान के बांधे तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और हम तिलक करें तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रमाण के साथ कहाँ दिया गया है। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल पर हमारे सनातन धर्म से संबंधित कर्मकांड, पूजा, मंत्र, स्तोत्र इत्यादि आपको मिलते रहेंगे। साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं YouTube पर वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी आपको सूचना मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूँ ये पुस्तक कौन सी है। ये पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। पंडित लाल बिहारी मिश्र इसके लेखक हैं, और पृष्ठ नंबर है 245। तो हम अनुष्ठान करते हैं, तो अगर जजमान हमारे कलावा बांधे या मौली बांधे तो हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, तो ये मंत्र बोलना चाहिए इस प्रकार है। हरि ओम मा व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब जजमान आचार्य को निम्नलिखित मंत्र से तिलक करके प्रणाम करें। अब जजमान तिलक करता है तो उस ब्राह्मण, जजमान को मंत्र आता नहीं है तो ब्राह्मण को यह मंत्र बोलना चाहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब अगर आचार्य द्वारा रक्षाबंधन, इसके बाद आचार्य जजमान को रक्षा बांधे, कलावा बांधे, तो ये मंत्र बोलना चाहिए। हरि ओम यदा बदनन्दाक्षायणा हिरण्यगुं शतानीकाय सुमनस्यमाना तन्म आबध्नामि शतशारदाया युक्मांजारदष्टिर्यथा सम्मा येन भद्दो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। अब आचार्य द्वारा तिलक, आचार्य जजमान को तिलक करें तो ये मंत्र बोलें। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो ये पूरी प्रक्रिया है तिलक करने की, और यजमान को कलावा मौली बांधने की और तिलक करने की। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।